सांप जिसको देखकर ही मन में भय होने लगता है, क्योंकि वह अपने जहर से बड़ा जीव को मारने की ताकत रखता है। लेकिन हम कहें कि सभी सांपों में ऐसी क्षमता नहीं है कि वे अपने जहर से बड़े जीव को मार सके। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ऐसे ही नॉन वेनमस सांपों के बारे में। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आइडेंटिफाइंग नेचर। 10. नॉर्दर्न वाटर स्नेक। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। यह तालाब, झील या दलदली वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका रंग भूरा और स्लेटी होता है। यह अपने आप को बचाने के लिए बदबूदार गंध छोड़ता है, लेकिन ये जहरीला नहीं होता है। 9. फोर लाइंड स्नेक, जो कि नॉन वेनमस स्नेक है। इसका शरीर पीला होता है। इसमें चार धारियां पाई जाती है। इसकी लंबाई लगभग 1.8 मीटर होता है। यह इटली ग्रीस में पाया जाता है। यह छोटे चूहे और छिपकलियों को खाता है। 8. ईस्टर्न गार्टर स्नेक, जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, जहां इसकी प्रजातियां बहुत कम बची हैं। यह जब काटता है तो बदबूदार गंध छोड़ता है और इससे मनुष्य को कोई हानि नहीं होती है। इसकी लंबाई 26 इंच होती है। यह गहरा हरा और काला रंग का होता है, जिसमें तीन धारियां होती हैं। 7. इमराल्ड ट्री बोआ, जो कि एक ट्री ड्वेलिंग सांप है, जिसे ग्रीन ट्री पाइथन भी कहते हैं, लेकिन इसका आकार पाइथन से छोटा होता है। 6. रफ ग्रीन स्नेक, जिसे ग्रास ग्रीन स्नेक भी कहते हैं। यह साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट में पाया जाता है। इसका ऊपरी भाग हल्का हरा रंग का होता है तथा इसका निचली भाग हल्का पीला होता है। हमेशा पेड़ में रहता है तथा यह बहुत पतला होता है और इसकी लंबाई 45 इंच की होती है। 5. बुल स्नेक, जो बड़ा नॉन वेनमस स्नेक है। इसे गुप्पर स्नेक भी कहते हैं। यह साउथ वेस्टर्न कनाडा, वेस्टर्न मेक्सिको और साउदर्न यूनाइटेड स्टेट में पाया जाता है। इसका रंग क्रीमी और हल्का पीला ब्राउन कलर का होता है, जिसके ऊपर डार्क ब्लॉचेज पाए जाते हैं। इसकी लंबाई 40 से 72 इंच का होता है। यह जब काटता है तो बदबूदार दुर्गंध छोड़ता है, ताकि अपने आप को दुश्मनों से बचा सके। 4. ब्लैक रैट स्नेक, जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, जिसकी लंबाई 4 से 6 फीट होती है। यह चट्टानों और उडेड हिल साइड, खुले मैदान, पहाड़ों में पाया जाता है। यह अपनी पूंछ को रैटल स्नेक की तरह वाइब्रेट करता है, ताकि अपने आप को दुश्मनों से बचा सके, लेकिन ये नॉन वेनमस होता है। 3. मिल्क स्नेक, जो कि सुंदर और कलरफुल होता है, जो यूनाइटेड स्टेट और सेंट्रल अमेरिका में पाया जाता है। कई लोग इसे कोरल स्नेक भी समझ बैठते हैं, जो कि एक वेनमस स्नेक है, जिसके शरीर पर लाल पीला काला पीला रंग का पैटर्न होता है तथा इसका सर काले रंग का होता है। वहीं मिल्क स्नेक का शरीर काला लाल काला तथा काला येलो काला रंग का पैटर्न होता है तथा उसका सर लाल होता है। 2. पाइथन, जो एक बड़ा और शक्तिशाली सांप होता है। इसकी लगभग 26 प्रजातियां हैं। यह रैन फॉरेस्ट और अफ्रीका के रेगिस्तान में रहता है तथा एशिया में रहता है। यह जहरीला नहीं है, लेकिन मनुष्य के लिए खतरनाक है। कई लोग इसे पालतू बना के भी रखते, जिसमें बॉल पाइथन आता है तथा अफ्रीकन पाइथन और इंडियन पाइथन बहुत खतरनाक होता है। यह पूरे शरीर ही निकल जाता है। 1. एनाकोंडा, जिसके बारे में अधिकतर लोग जानते हैं कि यह एक लंबा और भारी सांप है, जो ज़्यादातर पानी और दलदली इलाकों में रहता है। इसका वजन लगभग 230 किलोग्राम होता है तथा इसकी लंबाई 25 से 30 फीट होती है। यह साउथ अमेरिका के ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट में पाया जाता है। यह ग्रीन, येलो और डार्क स्पॉटेड बोलेवियन कोंडा की तरह होता है। यह अपने शिकार को पाइथन की तरह ही पूरा निगल जाता है।